हाय देयर, तो कैसे लग रहे हैं आपको बिहाइंड द सीन वीडियोस? वेल, अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि जब जब मुझे टाइम मिले मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शूट करके फटाफट पोस्ट कर दूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो हो पाए मैं कंटिन्यू रख सकती हूँ. और बस मेरा एक सीन के बाद पैकअप होने वाला, तो देखे मैंने अपनी चीजों को ऑलरेडी पैक करके रख लिया है ताकि जैसे ही मेरा पैकअप हो मैं फटाफट निकल सकूँ. वो मेरी अपनी बेडशीट है एक्चुअली, जिसको मैं तह बनाकर रखकर चली जाऊंगी, बिकॉज कभी कभी रूम किसी और को दे देते हैं, तो आई प्रेफर कि मेरी बेडशीट यू नो मेरे पास ही रहे. चलिए अब तो कॉल आ रहा है, सो आई सी यू लेटर, बाय. फैमिली फोटोशूट. ये रही त्रिशा और त्रिशा की मम्मा. ओह माय गॉड, पोज़र एंड ऑल. ये देखिए आकांक्षा को देखिए क्या कर रही है. आकांक्षा अति सुंदर. ये नीचे क्या है दिखाओ जरा, टर्न करके. सुपर ड्राई की चप्पल. ठीक है, ये देखो. अरे क्या चाहिए. अब नीला मैम और मैं और रोहन आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई. अब मैं रोहन, फिर मैं अकेला, फिर अकेले फिर मैं और रोहन गोदा में. गोदा में, गोदा में. नहीं कोई नहीं, मस्त देंगे. किसी के लिए और माँ बनाया है मेरे लिए, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है. अनिष्का हमें तुम पे गर्व है, हमें गुरूर है कि तुम ऋषि की खुशी के लिए, तुमने ऋषि की खुशी के लिए इतना कुछ किया. हम इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं इस बात के लिए, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई. लेकिन हम ऋषि को माफ़ नहीं कर सकते. नहीं, हम अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगे, ऋषि को माफ़ नहीं कर सकते. हमें लगा था कि धीरे धीरे तुम सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऋषि तुमने इस रिश्ते में मनिष्का के साथ सिर्फ उसे टाइम साथ की है. वो तो मनिष्का है जो इतने सालों से सबको सहती रही, उसने कुछ तक नहीं किया. हाय, हाय, कब आ रही हूँ जल्दी वापस. मैंने बोला इससे पूछो, यही बता सकती है सिर्फ कि मैं कब. बुला लो यार, प्यार तो गई, यही तो है मतलब एक्चुअली यहाँ. एंड इट्स पैकअप. कभी कभी जब जल्दी पैकअप हो जाता है तो इतना अच्छा लगता है. आई एम गोइंग होम, बाय बाय.